नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों जो है वहाँ पे कैंसिल हो जाता है और आखिर कितने दिनों में जो है ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब सारा लॉजिक आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर कैंसिल होता है तो क्यों कैंसिल हो जाता है, क्या क्या आपको सावधानी वहाँ पे बरतना है और किस तरीके से आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ताकि बिल्कुल एक दिन के अंदर जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए, वो सब सारा प्रक्रिया आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल 4 घंटा के अंदर जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आ गया था। जब हम उस अपने एडसेंस अकाउंट पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अपलोड करने के बाद और सबमिट करने के बाद जो है एडसेंस की तरफ से ठीक 4 घंटा के बाद एक मेल आता है और उस मेल में सूचित किया जाता है कि आपका जो एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस के क्रिएटर हैं जो तीन तीन बार वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यानी कि उनका जो वेरिफिकेशन है वो तीन तीन बार कैंसिल हो जाता है। और अगर आप एडसेंस के एक नए क्रिएटर से, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 3 बार आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहाँ पे कैंसिल होगा तो 4th बार आपको मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि उस एडसेंस के पेज पे जितना भी आपका अर्निंग होगा वो टोटल अर्निंग जो है आपका वेस्ट वहाँ पर होने वाला होगा। और फिर से जो है अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करना चाहते हैं तो आपको फिर से जो है वहाँ पे नया एडसेंस अकाउंट बनाकर उसको वहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि एडसेंस का साफ साफ वहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही मौका दिया जाता है आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहाँ पे कराने के लिए। आखिर क्या कारण है जो प्रतिभागी का वहाँ पे कैंसिल होता है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। कई बार जो क्रिएटर्स है वो काम ये करते हैं कि उनका जो नाम होता है कुछ और होता है, यानी कि एडसेंस का जिस समय वो अकाउंट बनाते हैं उस पे नाम कुछ और होता है और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे जो नाम होता है कुछ और हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब एक सपोज डेट हम मानते हैं कि चलिए नाम भी दोनों एक ही है, यानी कि अगर रियल नाम जो एडसेंस अकाउंट बनाए हुए हैं उसमें मोहन कुमार के नाम से उन्होंने क्या किया है, अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे मोहन कुमार सिंह डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी आप वहाँ पे गलती करते हैं तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा या फिर फंस जाएगा। इसलिए आप समझ जाइए कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे आपका जो भी नाम लिखा हुआ है उस पे जो स्पेलिंग डाला हुआ है वही स्पेलिंग के नाम से जो है आपको अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर नाम वहाँ पर चेंज होगा तो 110% आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर कैंसिल होगा। अब सपोज डेट हम यहाँ पे समझ के चलते हैं कि अगर मान लीजिए क्रिएटर वहाँ पे अपना किसी भी नाम से एडसेंस अकाउंट बना दिए हुआ है और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आती है तो डॉक्यूमेंट पे नाम कुछ और होता है, तो उस परिस्थिति में आपको करना क्या है? उस परिस्थिति में एक ही काम आपको करना है कि सबसे पहले उस एडसेंस का जो पेज है उसका जो नाम है वो नाम चेंज कर दीजिए। नाम चेंज करने के बाद, सबमिट करने के बाद, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद वहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो आप वहाँ पे मुश्किल में फंसेंगे। इसलिए सबसे पहला जो काम होता है अपने एडसेंस के पेज पर वही नाम आपको डालना है जो नाम आपके डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट किया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है, तो वो आप मैच करा लीजिए। स्पेलिंग टोटल आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे होगा वही डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे डालिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपको क्या डालना है? अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको या तो आप पैन कार्ड वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, या फिर पासपोर्ट डाल सकते हैं। 4ों में से कोई एक आप वहाँ पे डाल सकते हैं। याद रखिए आधार कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, तो जो बाकी 4 बचता है उसी का जो है इमेज आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करेंगे, जिस समय अपने डॉक्यूमेंट का इमेज आप खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, तो आपको एक चीज़ वहाँ पे सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है कि सपोज डेट अगर आप पैन कार्ड वहाँ पे डालने वाले हैं तो पैन कार्ड का जो इमेज है वो बिल्कुल आपको स्क्वायर में लेना है, यानी कि फोटो आप खींचिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इमेज पैन कार्ड का जो होता है साइड से थोड़ा सा कट किया हुआ रहता है, लेकिन आपको जब क्रॉप करना है तो बिल्कुल स्क्वायर में आप क्रॉप कीजिए उस इमेज को अपलोड करने से पहले, ताकि या तो पैन कार्ड का कुछ हिस्सा नहीं कटे या फिर पैन कार्ड के अलावा नीचे का बेस का भी कोई हिस्सा वहाँ पर नहीं आए। काफ़ी सारे क्रिएटर्स का यहीं पर जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फंसता है। फंसता क्या है कि या तो वो अपने डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा ही कट कर देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट के अलावा जो है नीचे का कुछ बेस वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आपका वहाँ पे
कैंसिल होने में। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो आप इमेज वहाँ पे खींच कर रहे हैं उस इमेज का जो कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट होता है वो आप बिल्कुल वहाँ पे नहीं होने दीजिए। एक समान से जो है उस फोटो को आप वहाँ पे खींचिए, आपका जो इमेज है और जो सिग्नेचर है वो दोनों बिल्कुल आपको वहाँ परफेक्ट दिखना चाहिए। अगर सिग्नेचर धुंधला हो जाएगा या फिर इमेज धुंधला हो जाएगा तो उस स्थिति में भी आपका वहाँ पर फंस जाएगा। आज के डेट में नए क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट क्यों फंस रहा है, इसका सबसे बड़ा लॉजिक है कि आज के डेट में जो है पैन कार्ड की तरफ से एक दिशा निर्देश आया और उसमें आप इंस्टेंट पैन कार्ड जो है फ्री में बना लेते हैं, यानी कि उस पैन कार्ड को बनाने में कोई चार्ज नहीं लगता है और एक दिन में जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करके उस पैन कार्ड को आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उस पैन कार्ड पर न तो आपका सिग्नेचर होता है और न ही आपका इमेज होता है। तो अगर वैसा इंस्टेंट पैन कार्ड आप अपलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है वो 110% वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको जो पैन कार्ड अपलोड करना है वो पैन कार्ड डिपार्टमेंट से आपको बनवाना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट पर आप देखिए कि आपका इमेज है या फिर नहीं है, या फिर उस पर आपका सिग्नेचर है या फिर नहीं है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर ये दोनों आपको अच्छा से देख लेना है, जिस पर आपका सिग्नेचर भी परफेक्ट दिखाई दे रहा हो और दूसरा इमेज भी परफेक्ट दिखाई दे रहा हो। अगर आपका इमेज वहाँ पर धुंधला होगा तो उस स्थिति में भी जो है आपका एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दो ही चीज़ आपको मेन वहाँ पर बरतना है, बाकी कुछ बरतने की ज़रूरत नहीं है। एक तो क्रॉप परफेक्ट कीजिए और दूसरा इमेज परफेक्ट खींचिए। और इस तरीके से आप अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर 24 घंटा नहीं, एक दिन के अंदर जो है 4 से 5 घंटा के अंदर जो है एडसेंस की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और उस मेल में यह बता दिया जाएगा कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही वहाँ पे सावधानी बरतना है, बाकी इसके अलावा कुछ वहाँ पे काम नहीं होता है। लेकिन जो क्रिएटर्स है यही गलती बार बार वहाँ पे करते हैं और उसी को लेकर जो है एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंसिल होता है। और 3 बार अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो वेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सावधान होकर बिल्कुल एक बार में जो है अप्लाई कीजिए और एक बार में अपने एडसेंस का जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप सक्सेसफुल करवा लीजिए।